नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद हो आप मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। मैं आपकी मौजूदगी है आगरा ग्वालियर नेशनल हाईवे पर और ये देखिए किस प्रकार रोड के अंदर आपको गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। इन गड्ढों के अंदर आप देख सकते हो यहाँ किस प्रकार लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। आपको बता दें कि ये नेशनल हाईवे है NH3 और यहाँ होकर देशी विदेशी पर्यटकों के साथ साथ बड़ी संख्या में राहगीर निकलते हैं जो कि ताज नगरी आगरा और ताजमहल देखने के लिए इसी रोड से होकर निकलते हैं। परंतु आप देख सकते हो तस्वीरों में किस प्रकार स्पष्ट दिखाया जा रहा है ये बड़े बड़े गड्ढे हैं और यहाँ होकर गाड़ियों का निकलना मुश्किल हो गया है। इन गड्ढों के चलते यहाँ लोगों को निकलने में काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आप देख सकते हो यहाँ पर ये गड्ढे किस प्रकार लोगों के लिए मुसीबत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन गड्ढों में निकलना मानो जंग जीतने के बराबर है। आप देख सकते हो किस प्रकार वाहन सवार अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हुए इन गड्ढों से निकल रहे हैं। आपको बता दें कि आगरा ग्वालियर रोड के रोहता चौड़ाई पर काफ़ी समय से जलभराव के चलते यहाँ के स्थानीय निवासियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं राहगीर एवं पर्यटक बड़ी मुश्किल से इन गड्ढों में होकर निकलते हैं जिसके चलते यहाँ काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम ब्रजेश निगम है। ब्रजेश कहाँ का रहने वाले हो? मैं आगरा छिपी टोले से रहने वाला हूँ। छिपी टोले से रोड के विषय में जो गड्ढे दिख रहे हैं इनके विषय में क्या कहना है? अरे इनकी बातें ना ही करो तो याद ही अच्छा है क्योंकि मैं छिपी टोले से रोड डेली का इटौरा चौरा पे मेरी दुकान है मोबाइल की। मेरे को डेली का अप डाउन करना होता है। मैं रात में आता हूँ, सुबह आता हूँ, रात में यहाँ से जाता हूँ तो मेरे को काफ़ी दिक्कत होती है आने में। यहाँ पर रोडों की हालत इतनी खस्ता है कि कुछ कह नहीं सकते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। पता नहीं, समझ में नहीं आता कि गड्ढे कितने हैं, लोग बाग क्या करते हैं, यहाँ की जो प्रशासन है यहाँ की कुछ सुनवाई करता ही नहीं है। जब आप यहाँ पर निकलने होते तो कैसा महसूस करते हो? महसूस क्या करना, बस यही देखता है, सोचते हैं कि बस आज की डेट में हम घर टाइम से पहुँचेंगे, सही सलामत पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे, बस यही एक डर लगा रहता है। आपका? मेरा नाम ब्रजकिशोर सिंथल, क्षेत्रीय निवासी हरिनगर रोहता आगरा। अच्छा, ये आपके पीछे पानी दिख रहा है, ये क्या मामला है? सर इसके लिए कई बार हमने कंप्लेंट किया है, शासन प्रशासन को भी बोला है, लेकिन चुनाव जब आते हैं तो विधायक सांसद अपने अपने वादा करके यहाँ पर बोलते हैं कि ये करेंगे हम वो करेंगे, लेकिन विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है। यहाँ जनमानस अस्त व्यस्त है, बच्चों का डेली निकलना है, यहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, साइकिल से जाते साइकिल वाले बच्चे गिरते रहते हैं और पास में इसी रोड से बमरोड़ की गुजरते हुए क्या ना ADF कॉलोनियाँ भी हैं, कोई सुनवाई नहीं करता है। अगर ऐसा ही रहा तो हम लोग किसी ऐसे प्रतिनिधि को वोट करने को तैयार हैं जो इस समस्या का निराकरण स्थायी रूप से करा सके। इसके लिए आपने प्रयास क्या क्या किया है? कई बार हमने जनप्रतिनिधियों को लेकर के चर्चाएं की, लिखित में भी किया उनके सामने, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं निकला है। राहगीर ब्रजकिशोर और स्थानीय निवासी गजकिशोर ने बताया है कि इन गड्ढों की बात करना ही बेईमानी होगी। इन गड्ढों पर चुनाव के समय पर बड़े बड़े फायदे किए थे। क्षेत्रीय सांसद विधायक एवं ग्राम प्रधान सहित सभी प्रतिनिधियों ने बड़े बड़े फायदे किए थे कि बुगड़ों जल्द इन गड्ढों से मुक्ति मिलेगी, परंतु 3 से 4 वर्ष होने को आए इन गड्ढों का अभी तक कुछ नहीं हो सका है। उन्होंने यह भी बताया कि क्षेत्रीय सांसद का यहाँ चुनावी कार्यालय भी रहा है, इसके बावजूद भी इन गड्ढों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। जब भी उन्होंने क्षेत्रीय सांसद और विधायक से शिकायत की है तो हर बार उन्हें आश्वासन मिला है कि नाला मंजूर हो गया है और अति शीघ्र बन जाएगा, परंतु 3 से 4 वर्ष होने को आए अभी तक इस नाले का कहीं अता पता नहीं है। नाला न बनने से रोड पर जल भराव हो जाता है जिसमें निकलना लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। लोगों के लिए अनेक प्रकार की दुर्घटनाओं का डर सताता रहता है। राहगीर ने बताया है कि मानो घर पहुंच जाए
तब जाकर तसल्ली मिलती है जो अपने घर पहुंच गए। इस गड्ढों पर, इन रोड के गड्ढों से निकलना मानो जंग जीतने के बराबर है। इन गड्ढों से निकलते समय बड़ा डर सा लगा रहता है। वहीं स्थानीय निवासी ने बताया है कि अब की बार 2022 के विधानसभा चुनाव में वो एक ऐसा प्रत्याशी चुनने का काम करेंगे जो इस समस्या से उन्हें निजात दिला सके। आपको देखना होगा कैसे रोड पर गड्ढे हैं और एक गड्ढों में जल भराव है और जल भराव के चलते लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो आइए जानते हैं क्या कहना है अन्य यहाँ के रहने वालों से, क्या कहना है इन गड्ढों के ऊपर। मेरा नाम मनीष राणा है। राणा जी, ये पानी दिखाई दे रहा है, ये क्या मामला है उन पर? यहाँ इन घरों के लिए नाला नहीं बनाया हुआ है। ये NH3 हाईवे है, इसकी बड़ी समस्या है। यहाँ सांसद राजकुमार चार जी का यहाँ चुनावी कार्यालय था, मगर वो तीन चार साल हो गए, एक बार तो यहाँ आई हुई नहीं है। आते भी अगर कोई यहाँ का व्यक्ति उनके पास जाए अगर बोले कि साहब सांसद साहब सुन लो, सरकार हमारी कैसे भी सुन लो, ये अगर एक बार बन जाए कैसे भी करके, तो वो कुछ सुनते नहीं है। यहाँ निकलने में लोगों को कैसा महसूस होता है? इतनी समस्या खड़ी हो रही है, बताइए अगर कोई यहाँ से अगर पार जाएगा तो यहाँ ये रोड चलता हुआ कॉलोनियाँ हैं, कोई कॉलोनियों में जाएगा, कोई औरत अपने काम के लिए आएगी, कोई काम नहीं करा सकती सरकार, कुछ नहीं करा रही। यहाँ एरिया अप्रूव कॉलोनियाँ हैं? हाँ है, क्यों नहीं है, इको होम्स है ना, और KCR भी है, कई कॉलोनियाँ हैं और क्या। करीब मेरे को लग रहा है करीब 3 साल से कर रहे हैं, बार बार जाते हैं सांसद जी के पास, हेमलता दिवाकर जी हैं उनके पास भी बार बार जा रहे हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं है। रोहता चौराहे से भमरौली की ओर जाने वाले मुख्य रास्ते पर भी बड़ी संख्या में जल भराव है। यहाँ से निकलना लोगों के लिए मुसीबत का सबक बन गया है। आप देख सकते हो किस प्रकार जल भराव है और जल भराव के चलते यहाँ होकर निकलना लोगों के लिए काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि इस रोड पर एक दर्जन से अधिक ADA अप्रूव्ड कॉलोनियां हैं, जिनके चलते यहां लोगों को ADA अप्रूव्ड की सुविधा नहीं मिल पा रही है। वहीं आप देख रहे हो तस्वीरों में किस प्रकार यह रास्ता एक आम रास्ता है जिस पर होकर रोड अक्सर निकलते रहते हैं, और इन गड्ढों में होकर निकलना उनके लिए मानो मुसीबत, एक जंग लड़ना जैसा साबित हो रहा है। वहीं आसपास देख रहे हो आप खोके रखे हैं जिनमें होकर लोग अपनी जीविका चला रहे थे, परंतु इस जल भराव के चलते लोगों को अपने खोके भी बंद करने पड़े हैं। आप देख सकते हो तस्वीरों में दोनों तरफ बड़ी संख्या में खोके रखे हुए हैं जो कि बंद हैं। इन खोकों के बंद होने से लोगों को अपना रोजगार छिन गया है। वहीं इन खोकों के चलते काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही थी। जल भराव इतना हो गया है कि खोकों के नीचे में पानी भर जाने से लोगों को, आप देख सकते हो तस्वीरों में, लोगों को अपने खोके छोड़कर अन्य मजदूरी के लिए जाना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हो तस्वीरों में किस प्रकार। वहीं स्थानीय निवासी ने बताया है कि यहां रोहता पर क्षेत्रीय सांसद राजकुमार चाहर का कैंप कार्यालय है और इसके बावजूद भी यह समस्या बनी हुई है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, हिंदुस्तान CBN न्यूज़ पर देखते रहिए आंखों देखा हाल। जल भराव के चलते ये देखिए खोके खाली पड़े हैं। दुकानदार जिनमें ऊपर लोग मजदूरी करते थे, अपने परिवार को पाल रहे थे, परंतु जल भराव के चलते यह दुकानदारों को अपनी दुकानें बंद करके जाना पड़ा है और आजकल वो मजदूरी करने के लिए विवश हैं। आप देख सकते हो जल भराव के चलते सभी यहां पर जो रखे हो खोके थे, दुकानें थी, वो बंद हैं। तो आगरा से चोप सिंह सक्सेना की खास रिपोर्ट का आप आँखों देखा हाल देखते रहिए।